उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच विधान परिषद के चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रदेश की 27 सीटों पर वोट डाले गए हैं। हालांकि चुनाव तो 36 सीटों पर है, तो हम आपको बता दें कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। शाम 4 बजे तक विधान परिषद सीटों के लिए वोटिंग हुई। बता दें कि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि इसके लिए ज़्यादा अब इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि विधान परिषद चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा। विधान परिषद कानपुर फतेहपुर में शाम 4 बजे तक 97.38% मतदान हुआ। यहाँ कुल 1563 वोट पड़े, जिनमें 928 पुरुष और 634 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विधान परिषद की झांसी ललितपुर जालौन सीट पर 98.90% मतदाताओं ने वोट डाले और सबसे ज़्यादा वोटिंग ललितपुर में 99.12% हुई, जबकि जालौन में 98.94 और झांसी में 98.71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चंदौली में भी जमकर वोटिंग हुई है, यहाँ 99.01% वोटिंग हुई। आपको बता दें कि कई जिलों में 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर इस चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया है। वहीं जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हम ऐसे प्रतिनिधि को भेजेंगे जो सदन में जनता के मुद्दों को उठाएगा। उधर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सैफई ब्लॉक में वोट डाला। इसी ब्लॉक पर शिवपाल यादव ने भी सुबह अपने मतदान का इस्तेमाल किया था, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला। जिस तरह से एमएलसी चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है, उससे तो एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन कौन कितनी सीटों पर बाजी मारेगा, ये तो आने वाले 12 तारीख के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों और नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। साथ ही कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो समाजवादी पार्टी की जीत होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव मैदान में 95 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में 739 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।